केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक और ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। उन्होंने विपक्षी एकता को कोशिशों पर तीखा इस दौरान प्रहार किया है। विपक्षी एकता की जो कोशिशें हैं इस दौरान उन्होंने ट्वीट करके उस पर प्रहार करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज गरीबों का बैंक में खाता है, उनके घर में गैस चूल्हा है, हाथ में मोबाइल फोन्स है, खेती के लिए पैसे हैं, घर में अनाज है, चिकित्सा की सुविधा है, पक्के मकान है, शौचालय है, पेयजल की व्यवस्था है और मन में आत्मविश्वास है। इससे आप सहमत है ना नीतीश बाबू? यदि हाँ तो इसे इतिहास बदलना और इतिहास बनाना कहेंगे। और वहीं पर नीतीश बाबू आप इतिहास रचा है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी लिखा कि सत्ता में बने रहने का आपको तो पता ही है कि बिहार में सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके रहने का इतिहास आप बना चुके हैं, लेकिन इस इतिहास को बनाने में आपने जिस प्रकार की पलटी मारी है, विश्वासघात किया है, वो भी एक इतिहास है। और इसके साथ उन्होंने उनसे प्रश्न भी किया, उन्होंने लिखा कि वो भी एक इतिहास नहीं है नीतीश बाबू, इतिहास बदलने का काम आपने किया है। नीतीश बाबू 2005 से 2010 में आपने जंगल राज समाप्त करके कानून का राज स्थापित किया था और आज आप पुनः बिहार को आतंक राज के हवाले कर चुके हैं। ये है इतिहास बदलना नीतीश बाबू, जिस कला में आपका कोई सानी नहीं है। इस कृत्य के लिए बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। नीतीश बाबू ज्यादा दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ का चक्कर मत लगाइए, पता चला कि बिहार में आपका सुपड़ा ही साफ हो गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।